सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मिशुल चौहान है और मैं जीनस एबीएस में फील्ड टेक्निकल मैनेजर सर्व कर रहा हूं। मैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एरिया देखता हूं। तो आज हम अमृतसर के एक मेहता गांव के डेयरी फार्म में आए हुए हैं। तो अगर मैं पंजाब और हरियाणा के डेयरी फार्मर्स या डेयरी फार्मिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है वो है हीट स्ट्रेस। यहाँ पे अगर हम स्पेशली बात करें मई से लेके अगस्त तक के टाइम का, तो इस टाइम पीरियड में टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनिमल जो हैं वो हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जब भी एनिमल्स हीट स्ट्रेस में आएंगे तो एक तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, और मिल्क प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ एक तो उनकी जो रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, जो कंसेप्शन की एफिशिएंसी है, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इस हीट स्ट्रेस की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी प्रोडक्शन में जो कमी आती है वो किसानों को इकोनॉमिकल रूप से बहुत महंगी पड़ती है। हमें हीट स्ट्रेस में एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी है क्या, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, जब भी आपका जानवर, आप अपने जानवर में AI करते हैं, और जब आपका जानवर में AI करने से 42 दिन तक, अगर वो 21 से 42 दिन के पीरियड में दोबारा हीट में आ रहा है, या वो डिस्चार्ज फेंक रहा है, चाहे वो 25 दिन पे फेंके, चाहे वो 30 दिन पे फेंके, या चाहे वो 35 दिन पे फेंके, अगर वो AI करने के 20, 25, 30, 35, 42 दिन के इंटरवल तक वो डिस्चार्ज फेंक रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जानवर में एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो रही है, या हमारा जानवर एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी का शिकार हो रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं स्पेशली पंजाब या हरियाणा के फार्मर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी जो देखने को मिल रही है उसका सबसे मेजर फैक्टर है हीट स्ट्रेस। तो हीट स्ट्रेस क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप, जैसे कि हम इस फार्म में देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने गायों के लिए स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया हुआ है। ये स्प्रिंकलर्स थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल रहे हैं, ताकि गायों का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो बिल्कुल सुटेबल रहे। और जो भी इसकी कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि हीट स्ट्रेस में एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी या मिल्क प्रोडक्शन में इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ों को हम रेक्टिफाई कर सकें। साथ में 24 आवर्स इन गायों को ठंडा पानी, क्लीन वाटर और फ्रेश वाटर उपलब्ध होना चाहिए, और साथ ही साथ इनको बहुत से बिल्कुल, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, धूप में बिल्कुल धूप के सामने ना रखें, इनके शेड जो है छाया में हों, और प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर होनी चाहिए। हवा एक साइड से जाके दूसरी साइड को क्रॉस होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। इसके अलावा हीट स्ट्रेस का सबसे जो कॉमन, जिसमें हम फैक्टर बोल सकते हैं, हीट स्ट्रेस से होता क्या है कि एनिमल में जो है, हम साइंटिफिक भाषा का प्रयोग करें तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है बॉडी में रिलीज होने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स जब भी बॉडी में रिलीज होंगे, तो जो यूट्रस का एनवायरमेंट होता है, यूट्रस में एनवायरमेंट चाहिए होता है एक स्पेसिफिक, जिसमें कि बच्चा ग्रो करता है, वो जो यूट्रस का एनवायरमेंट है वो खराब हो जाता है। जब भी ये यूट्रस का एनवायरमेंट खराब होगा, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए वो सारी कंडीशन सुटेबल नहीं रहेंगी, और ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं आपको इन मंथ्स में बता रहा हूँ, जो आपके एनिमल्स की कंसेप्शन को इम्प्रूव करेगा, वो है हीट स्ट्रेस को आपने कैसे दूर करना है। तो आज मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि हीट स्ट्रेस को, आप इसको अपने फार्म में हीट स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।